प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। पहली जो वीडियो थी उसमें हमने 3 या 4 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वहां तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे पंचवर्षीय योजना 4th, तो यहां से हम करेंगे चौथी योजना स्टार्ट। अब आपके सामने जो चौथी योजना है उसका जो कार्यकाल है वो है 1969 से 1974। तो इसके अंदर जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना है इसके जो लक्ष्य हैं, तो अभी आ लिखेंगे लक्ष्य कि चौथी पंचवर्षीय योजना के क्या क्या लक्ष्य। तो इसका जो पहला लक्ष्य है सबसे पहले हम करेंगे रोजगार प्रदान करना। उसके बाद इसका जो सेकंड उद्देश्य है वो है आपका खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। इसके बाद इसका जो थर्ड उद्देश्य है वो है आपका गरीबी दूर करना। तो ये इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है, सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, उसके बाद खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और थर्ड गरीबी दूर करना। क्योंकि उस टाइम में 1969 से 1974 आपको बताया 1965 से 1967 के बीच में भारत के अंदर एक अकाल की जो स्थिति देख सूखा आया था, उस सूखे के कारण भारत के अंदर ऐसी महामारी फैल गई थी कि भारत की जो खाद्य सामग्री थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। तो इस कारण भारत ने सभी व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना अपना मुख्य उद्देश्य समझा। उसके बाद है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर हम करेंगे इसका जो कार्यकाल है 5वीं पंचवर्षीय योजना का वो है आपका 1974 से 1978। तो यहां पर लिखेंगे हमें 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। अब इसके अंदर जो मुख्य लक्ष्य रखे गए इसका उद्देश्य होता है देश का विकास करना, एक सीमित समय के अंदर देश का विकास करना। पंचवर्षीय योजना इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि ये जो योजना है ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम पंचवर्षीय योजना रखा गया। तो अब हम करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो लक्ष्य है वे इस प्रकार है। इसका जो पहला जो लक्ष्य है इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले देश के अंदर फैली अशिक्षा को दूर करना। देश के अंदर जो अशिक्षा फैली हुई थी, क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो पढ़ाई का जो स्तर था वो इतना ज्यादा नहीं था जितना होना चाहिए, तो इसलिए देश के अंदर जो अशिक्षा फैली हुई थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। उसके बाद इसका जो सेकंड उद्देश्य था वो था उद्योगों का विकास। इसके मुख्य रूप से ये 2 उद्देश्य रखे गए, अशिक्षा को दूर करना ताकि व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षित होने के बाद उसे रोजगार की प्राप्ति हो सके और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद है आपकी
छठी पंचवर्षीय योजना। अब जो छठी पंचवर्षीय योजना है, अब आप देखोगे ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ये इस साइड आपकी सभी योजनाएं लिखी हुई हैं। अगर आप देखोगे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 78 और छठी 80 से 85, तो 2 साल का गैप कर दिया गया। वो 2 साल का गैप क्यों किया गया? वो 2 साल का गैप इसलिए किया गया क्योंकि जो 5 साल के अंदर जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका, तो इसलिए 2 साल की अन्य योजनाएं बनाई गई जिसे 1 वर्षीय योजना कहते हैं। उसके अंदर ऐसे लक्ष्य रखे गए कि देश के अंदर, ताकि वो जो 5 साल तक जो योजना पूरी नहीं हो सकी उसे एक एक साल करके और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और उन योजनाओं को और ज्यादा बड़े स्तर तक लेकर जाया जा सके, तो इसलिए एक एक साल का यहाँ पर गैप दे दिया गया। तो अब है आपके सामने छठी पंचवर्षीय योजना, इसके जो लक्ष्य हैं वो इस प्रकार हैं। इसके अंदर सबसे पहले है तकनीकी शिक्षा का विकास। इसके अंदर हम लिखेंगे तकनीकी शिक्षा का विकास, या इसे हम कह सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कौन सी शिक्षा, हम इसको कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा का विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि 1980 से 85 तक कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए जिनके द्वारा कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया, ताकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सीखे और जो काम हाथों से करते थे वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सके। उसके बाद है आपका जो ये था आपका पहला लक्ष्य, उसके बाद जो दूसरा लक्ष्य था वो रखा गया कृषि का विकास। ये जो योजनाएं है जैसे कंप्यूटर शिक्षा के साथ कृषि का भी विकास, क्योंकि भारत 1985 के समय तक भारत जो देश है वो कृषि पर ज्यादा निर्भर था, तो इसलिए साथ के साथ इन योजनाओं को छोड़ा नहीं गया। पहली योजना से लेकर और अंतिम योजना तक कृषि को साथ के साथ लेकर चले, ताकि देश के अंदर कृषि का विकास किया जा सके। उसके बाद है आपकी अब सातवीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1985 से 1990। ये जो योजना है छठी के बाद जो सातवीं योजना है उसमें कोई गैप नहीं दिया गया, क्योंकि छठी योजना के अंदर जो हमने जो लक्ष्य लिए थे वो हमने पूरे कर दिए। अब उसके बाद सातवीं, इसके जो लक्ष्य हैं इसके अंदर सबसे पहले जो लक्ष्य रखा गया वो था आपका गरीबी दूर करना। उसके बाद जो सेकंड जो उद्देश्य था इसके अंदर वो रखा गया, उसके बाद बड़े उद्योगों का विकास। गरीबी दूर कब होगी? जब देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग होंगे और उन उद्योगों के माध्यम से देश के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसको रोजगार की प्राप्ति हो सके, तो इसके बाद रखा गया सेकंड उद्देश्य। उसके बाद है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना, अब है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर ये है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1985
92 से लेकर 1997। इसके अंदर भारत के अंदर अब आप देखोगे कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 85 से 90, परंतु फिर 2 साल का गैप दे दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो योजना बड़े स्तर पर लागू की जाती है वो पूर्ण नहीं होती, तो इस कारण उन्हें एक एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो अब आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर जो इसके लक्ष्य हैं, सबसे पहला जो लक्ष्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। क्योंकि अगर देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय है अगर वो बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, तो इसलिए इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो रखा गया राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। इसका जो सेकंड लक्ष्य था राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, इसके मुख्य रूप से 2 लक्ष्य रखे गए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ताकि देश के अंदर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उनकी आय में भी तेजी से प्रगति हो और व्यक्ति गरीब से अमीरी की तरफ प्रस्थान करे। तो ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब है आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना। सभी योजनाओं के जो लक्ष्य हैं वे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि सभी लक्ष्यों को अगर साथ लेके चलेंगे तभी देश का विकास होगा। तो अब आपके सामने नौवीं पंचवर्षीय योजना, ये है आपकी 1997 से 2002। इसके अंदर वो सभी लक्ष्य रखे गए जो इससे पहले सरकार ने अन्य योजनाओं में रखे थे। जैसे इसके अंदर जो सबसे पहला जो लक्ष्य था वो था शिक्षा का विकास। उसके बाद इसका जो दूसरा लक्ष्य था रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगर रोजगार में अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और वो फिर रोजगार प्राप्त करके स्वयं का और समाज का विकास कर सकता। तो इसके अंदर मुख्य लक्ष्य थे शिक्षा का और रोजगार के अवसरों को। इसके साथ साथ एक लक्ष्य और लेके आए इस टाइम में, महिलाओं का विकास, क्योंकि आधुनिक समय था और महिलाओं के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता था। महिलाओं का विकास, महिलाओं का विकास करना, तो साथ की साथ ये भी लक्ष्य लेकर चले। अब है आपके सामने दसवीं पंचवर्षीय योजना। जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत पर्यावरण की समस्या को भी साथ में भारत के जो बड़े बड़े जो शिक्षित व्यक्ति थे, जो विद्वान थे, उन्होंने पर्यावरण के उत्थान का मुद्दा भी इसके अंदर डाला गया, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर सभी निर्भर है। अगर शुद्ध पर्यावरण नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसके अंदर तो सबसे पहला लक्ष्य रखा गया पर्यावरण को शुद्ध रखना। पर्यावरण को शुद्ध रखना इसका उद्देश्य रखा गया। उसके बाद जल की शुद्धता को
बढ़ा रहा हूं। ये मुद्दे क्यों लिए गए? क्योंकि ये मुद्दे इस समय, क्योंकि भारत विकसित देशों की तरह आगे बढ़ रहा था, तो ये जो मुद्दे थे ये भी एक समस्या बनकर खड़े हो गए, तो इसलिए ये मुद्दे भी इस पंचवर्षीय योजना के अंदर रखे गए, ताकि देश के अंदर पर्यावरण शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और वो देश की प्रगति में सहयोग करेगा। तो इसके बाद है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। से 2012 इसके अंदर सबसे पहले जो लक्ष्य रखा गया वो था आपका, सबसे पहले था शिक्षा, उसके बाद था शिक्षा, चिकित्सा और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जब तक उनकी पूर्ति नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब लगातार योजना पे योजना बनती रही तो ये जो चीजें थी इनको इग्नोर कर दिया गया, परंतु बाद में जाके अनुभव किया गया कि शिक्षा के साथ चिकित्सा भी बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपकी जो अंतिम योजना है वो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो है आपकी 2012 से 2017। इस योजना के बाद, इस योजना के मध्य जो योजना आयोग था उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की मीनार से योजना आयोग का जो नाम था वो चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। तो ये जो अंतिम जो योजना है हमारे सामने, तो इसे ये इसके जो लक्ष्य है, इसके लक्ष्य है हम जो 11 जो योजना है उसके अंदर जो लक्ष्य थे वे सभी के सभी लक्ष्य इसके अंदर रखे गए। तो यहां पर हम लेंगे रोजगार, प्रदान करना, गरीबी दूर करना, शिक्षा का विकास, उसके बाद शिक्षा के विकास के बाद हम देंगे यहां पे उद्योगों का, उद्योगों का विकास। तो कहने का अभिप्राय है कि इस योजना के अंदर लगभग वो सभी लक्ष्य लिए गए जो पहले वाली योजना में डाले गए थे। ये तो ये आपकी सभी की सभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं जिनके द्वारा देश के अंदर विकास किया गया। अब है आपके सामने, इसके मध्य में भारत में एक हरित क्रांति भी आई। कि हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति क्या लेकर आई और उसके द्वारा देश के अंदर क्या क्या विकास हुआ, तो अब हम लेते हैं हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो अब आपके सामने हरित क्रांति की, हरित क्रांति क्या थी,
हरिते का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए आप। हरित का अर्थ होता है हरा भरा। हरा भरा कहां पर आएगा, हरा भरा आता, हरा भरा कौन से क्षेत्र में आता है, तो हरियाली आती खेती में। तो हरित क्रांति का अर्थ होता है खेतों के अंदर मशीनों या रासायनिक खादों के माध्यम से जो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसे हरित क्रांति कहते हैं। तो इसका अर्थ है, हरित क्रांति का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, हरित क्रांति का अर्थ। तो यहां पर हम लेंगे हरित क्रांति का जो अर्थ है वो है आपका सबसे पहले खेती के अंदर मशीनों एवं रासायनिक खातों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। तो खेती के अंदर मशीनों एवं रासायनिक खादों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है, हरित क्रांति। जब तक खेती के अंदर मशीन नहीं आएगी, क्योंकि पहले व्यक्ति हाथों से काम करता था, और जब वो हाथों से काम करता था तो उस समय जो काम था वो बहुत ही कम होता था। तो कम काम से व्यक्ति इतना ज्यादा विकास नहीं कर सकता था, तो इसलिए व्यक्ति ने मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया और उसके अंदर रासायनिक खादों का प्रयोग भी किया और उसके बाद उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये हरित क्रांति का अर्थ। अब हरित क्रांति की सफलताएं कि हरित क्रांति से क्या क्या सफलताएं प्राप्त हुई। अब मैं आपके सामने हरित क्रांति की सफलताएं कि हरित क्रांति देश के अंदर क्या क्या सफलता लेकर आई। तो सबसे पहले जो सफलता थी हरित क्रांति की वो थी उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में क्या हुई, सबसे पहले इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि देश के अंदर जो अनाज 40 मन निकलता था वो 60 या 70 मन निकलने लगा। तो लगभग इसके अंदर हम कह सकते हैं जो फसल का जो उत्पादन था कई क्षेत्रों में तो वो 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले फसल उत्पादन में वृद्धि, फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद आपका सेकंड है मशीनीकरण। फसलों के अंदर क्या आई, मशीनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा, जैसे ट्रैक्टर, उसके बाद आपका थ्रेसर, कंबाइन, इस प्रकार की जो मशीनें हैं उनके प्रयोग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वो फसलों के उत्पादन वृद्धि की गई और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद इसके अंदर खंड है अब लिखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हुई, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के अंदर निर्यात कर सकते हैं और निर्यात के द्वारा देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय है उसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आपका जो फोर्थ पॉइंट, उसके बाद जो वृद्धि हुई इसके बाद आपका रासायनिक खादों का प्रयोग
ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जो उसके जो फसल थी उसके अंदर ही जो फसलों के अलावा फसलों के पौधे के अलावा जो हम जिसे कह सकते हैं कि जो अन्य ऐसे पेड़ होते हैं जो फसलों को कम करते हैं उनको जलाने के लिए घास फूस को जलाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। तो उसके बाद जो आता है आपका पांचवा, इसके अंदर हमने ये सिंचाई में वृद्धि। अब जो सिंचाई थी हरित क्रांति के समय वो बहुत ही कम थी, तो इसलिए सिंचाई की सुविधा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा गया ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके ट्यूबवेलों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से, और देश में जो फसल है उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। उसके बाद है आपकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब जो व्यक्ति थे, अगर एक देश के अंदर सिंचाई की वृद्धि होगी रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी आपको पता प्राकृतिक रूप से वृद्धि होगी, और जब प्राकृतिक रूप से वृद्धि होगी तो सभी व्यक्तियों का विकास होगा। तो ये सभी क्या है, हरित क्रांति की सफलता है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।